नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। इनका नाम है कार्तिक कंसल और ये अब तक यूपीएससी सिविल सर्विसेज में इनका नाम 4 बार फाइनल लिस्ट में आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद यूपीएससी कहले या डीओपीटी के द्वारा इनको अब तक कोई भी सर्विसेज एलोकेट नहीं किया गया है। और जिस तरीके से यूपीएससी या डीओपीटी का रवैया है, उसको देखते हुए हम बहुत हद तक कह सकते हैं कि यूपीएससी इनको सर्विसेज एलोकेट भी नहीं करेगा। अभी का जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके हिसाब से ये इसरो में साइंटिस्ट है और इनका ग्रेजुएशन आईआईटी रुड़की से हुआ है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, एक आदमी जो स्पेशली एबल्ड है वो आईआईटी रुड़की से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकता है, वो इसरो के लिए काम कर सकता है, लेकिन यूपीएससी के पास कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट या पोजिशन नहीं है जिनमें ये फिट बैठते हैं। मैं भी उन लोगों में से एक था जिनको लगता था कि यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं, उनके जो मेंबर्स होते हैं, वो जाति धर्म से काफी ऊपर उठ चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से बीते कुछ दिनों में, खास करके जब से पूजा खेड़कर का मामला सामने आया, उसके बाद हमारे सामने मल्टीपल ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि यूपीएससी में भी टॉप टू बॉटम फुल ऑन करप्शन होता है। इनोवेशन आता है इनोवेटिव आइडियाज से, और इनोवेटिव आइडियाज को एक सही प्लेटफॉर्म देने के लिए ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर एक सोसाइटी के लोगों को एक इक्वल प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां पे वो अपने आके विचार या उनके जो क्रिएटिविटी है उसको लाके सामने रखें। एक बंदा जो 4 बार फाइनल लिस्ट में आ चुका है, जो इसरो के लिए काम कर रहा है, जो आईआईटी से अपने ग्रेजुएशन को कर चुका है, उसके बारे में आप ये कैसे माने कि उनके पास क्षमता नहीं है? ठीक है, ये दुनिया मान रहा कि इनका जो फिजिकल कंडीशन है वो एक आम आदमी के बराबर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इनका 4 बार फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है। इसका मतलब है कि ये एक आम जो फिजिकली फिट लोग हैं उनसे कहीं ज्यादा ये मेहनत किए हैं। तो इस चीज को हम कभी भी किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद ये किसी भी तरीके या कोई मिसयूज नहीं किए हैं सिस्टम का या अपने डॉक्यूमेंट का। तो ये बता रहा कि ये टॉप टू बॉटम अब तक जो हमारे पास रिपोर्ट है उसके हिसाब से ये बहुत ही ऑनेस्ट है, और ये जब भी कोई अपनी जिम्मेदारी को उठाए हैं तो उसको बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से किए हैं। तो आप एज एन इंडिविजुअल या एज एन स्टूडेंट आप समझें कि क्या हमारे पास इनसे बेहतर कोई रिसोर्स हो सकता है, और चांसेस ये भी काफी हाई है कि अगर इनको हम रिकॉग्निशन देते हैं जो कि ये डिजर्व करते हैं, तो शायद अलग अलग जगहों से और भी ऐसे लोग आते जिनको लगता है कि वो फिजिकली फिट नहीं है लेकिन फिर भी वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक सक्सेसफुल स्टोरी से बहुत बड़ा एक टीम बिल्डअप होता है जिसका कि जो बेनिफिट होता है उस देश को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि नीरज चोपड़ा जैवलिन खेलते हैं और उनका कोई तोड़ नहीं है, उनको देखने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज के डेट में जैवलिन खेलना शुरू कर दिए हैं या वो चाहते हैं कि उनके बच्चे खेलें। ये कार्तिक कंसल सर का एक्स अकाउंट है जहां पे आप देख सकते हैं कि 5 अटेम्प्ट्स 5 इंटरव्यूज 4 फाइनल सिलेक्शंस। तो आप एक चीज को सोचिए और देखिए, क्या आपको इनसे बेहतरीन कोई कैंडिडेट मिल सकता है? वहीं दूसरी तरफ हमारे पास बहुत सारे अब तक एग्जाम्पल्स आ गए हैं जिसको देख के हम कह सकते हैं कि अगर आज के डेट में वो आदमी आईएएस या आईपीएस बना है तो उसके पीछे एक जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया गया है वो उनका मिसयूज ऑफ कोटा है। तो एक आदमी जो 16 साल से व्हीलचेयर पे बैठा हुआ है, उसके बावजूद कि वो चाहता है कि इस देश का वो सेवा करे। वहीं पे अगर बात किया जाए तो इनका जो प्रेजेंट एज है वो 28 साल है और ये जब से 12 साल के थे तब से ये व्हीलचेयर पे बैठे हैं। और लगभग 2 से 3 दिनों पहले मैं इनका एक इंटरव्यू सुन रहा था यूट्यूब पे, जहां पे ये बता रहे थे कि इनका जो राइट हैंड है उससे इनको लिखने में परेशानी होती है। कहने का मतलब है कि जितना एफर्ट एक नॉर्मल आदमी लिखने में लगाता है या स्पीड बढ़ाने में लगाता है, इनको ऑलमोस्ट 2 गुना एफर्ट लगाना होता है। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है जिनको देखते हुए हम समझ सकते हैं कि इनके अंदर डेडिकेशन का या देश भावना कहीं से कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग इनके साथ बिहेवियर कर रहा वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और जो प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट है या उनके जो बड़े बड़े लीडर्स है वो जिस तरीके से खामोश बैठे हैं, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल रेज करता है। क्योंकि हमारा पार्लियामेंट शुरू हो गया है और धर्मेंद्र प्रधान हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और जिस तरीके से नीट क्वेश्चन पेपर स्कैम हुआ था और शुरुआती दिनों में धर्मेंद्र प्रधान ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि नीट के एग्जाम को ढंग से एनटीए के द्वारा कंडक्ट नहीं किया गया है। ये जब मामला और भी बढ़ जाता है उसके बाद जाके ये दबे जबान में मानना शुरू करते हैं। और क्योंकि एनडीए के पास या इनफैक्ट बीजेपी के पास उस तरीके से बहुमत नहीं है जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव में था,
तो हम कह सकते हैं कि कभी कभी जब रूलिंग गवर्नमेंट के पास सफिशियंट नंबर ऑफ सीट्स नहीं होते हैं तो वो थोड़े से डिफेंसिव होते हैं। इसका जो खामियाजा होता है वो ये भी होता है कि ढंग से फिर पॉलिसी मेकिंग नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि जिस तरीके से नीट का क्वेश्चन पेपर स्कैम हुआ है, अगर ये नहीं होता तो शायद जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है उनको ये मौका नहीं मिलता, और क्योंकि उनको ये मौका नहीं मिलता इसलिए चांसेस काफी हाई होता कि हम पॉलिसी फॉर्मेशन के ऊपर हम बात करते, ना कि हम नीट क्वेश्चन पेपर स्कैम के बारे में बात करते हैं। तो कहने का यहां मतलब है कि हर चीज के मल्टीपल पहलू होते हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि इस तरीके का जो डिस्कशन है वो हमारे पार्लियामेंट में हो रहा और होना भी चाहिए। उसके बाद आप ये सोच के देखिए कि बीते 7 सालों में ऑलमोस्ट 15 स्टेट्स में 70 एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर है वो लीक हुए हैं। तो अगर किसी भी राज्य के जो मुखिया होते हैं यानी कि जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो अगर ढंग से एग्जाम कंडक्ट ना करवा पाए या उनके पास जो मशीनरी है वो क्वेश्चन पेपर को लीक करने से अगर बचा नहीं सकते हैं तो इसके पीछे का फिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? एक आम जनता या एक आम एस्पिरेंट जो अपने जिंदगी का 5-6 साल खर्च करता है एक एग्जाम के लिए, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शंस नहीं होते हैं। अगर आप कोई बिजनेस भी करना चाहते हैं तो आपके पास सफिशियंट अमाउंट ऑफ कैपिटल होना चाहिए। तो अगर एक आम जनता सवाल पूछता है सरकार क्या कर रही है, तो वो आम जनता कहां गलत है? ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है जहां पे बताया गया है कि 2019 से लेकर 2024 तक लगभग 65 से भी ऊपर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स लीक हुए हैं, जहां पे जो हमारे स्कूल के बोर्ड एग्जाम्स होते हैं वो हो गए, या यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो गए, या जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं वो हो गए। और लेकिन इन सब के बारे में अगर आप सरकार से सवाल पूछेंगे तो सरकार ऑलमोस्ट खामोश रहते हैं। लेकिन वहीं पे अगर बात किया जाए चुनाव करवाने का या चुनाव के जो रिजल्ट डिक्लेयर करने का, तो ये सारे चीज ऑन टाइम होते हैं, और चुनाव के पहले सभी को ये याद पड़ जाता है कि वो किस कास्ट, किस कम्युनिटी और किस रिलीजन के हैं, और आम जनता उतना ही बेवकूफ है कि उनके कहने पे आपस के जो संबंध है वो खराब कर लेते हैं। तो अगर हम मोर और लेस समझना चाहें तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि क्वेश्चन पेपर लीक के बारे में पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा, ताकि पूरे देश को मालूम पड़ सके कि एग्जैक्टली सरकार के विचार या उनका स्टैंड क्या है इन सब पूरे मामलों में। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।